नमस्कार, फिर से नजर डालते हैं करनाल की खबर पर, जहां करण स्टेडियम में सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा और उनकी प्रतिभा ज्यादा निखरेगी। आपको बता दें कि करनाल में स्थित करण स्टेडियम में प्रतिदिन विभिन्न खेलों के 800 से अधिक खिलाड़ी आते हैं। आने वाले इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को लगभग 33 कोच निखार रहे हैं। कुछ समय पहले तक असुविधाओं को लेकर चर्चा में रहने वाले करण स्टेडियम अब सुविधाओं के मामले में खिलाड़ियों की पहली पसंद बन चुका है। पहले यहाँ पर पीने के पानी से लेकर ट्रैक तक की समस्या थी। थोड़ी सी बारिश आने पर सारा स्टेडियम दलदल अथवा गारे में तब्दील हो जाता था, जिससे खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब स्टेडियम में विशेष तौर पर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को बारिश में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा वॉलीबॉल तथा बास्केटबॉल के मैदान के लिए भी सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि खेलों अथवा खिलाड़ियों को लेकर सरकार की बनाई गई खेल नीति से खिलाड़ियों को लाभ हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि करण स्टेडियम में भी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। शहर के साथ साथ गाँव में भी खेल नर्सरी को निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 27 खेल नर्सरी तैयार हो चुकी है, बाकी 24 खेल नर्सरी 1 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा स्टेडियम में एथलेटिक के कोच चांदराम ने बताया कि बीती 21 से 23 सितंबर तक हिसार में हुई पैरा स्टेट एथलेटिक ओलंपिक में करनाल के 3 खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि 100 मीटर में करण को स्वर्ण पदक, लॉन्ग जंप में दिनेश को सिल्वर व डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट में सुनील को कांस्य पदक मिला है। सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। सर, मैं करनाल में खेल प्रतिभाओं से लेकर आपसे कुछ जानना चाहूँगा। सर, जैसे कि आपको बताया कि करनाल का करण स्टेडियम काफ़ी फेमस भी है और यहाँ पर हजारों बच्चे प्रतिदिन एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों की खेल सुविधाओं को देखते हुए या खेल प्रतिभा को देखते हुए उन स्टेडियम के अंदर कुछ नई एक्टिविटीज़ या कुछ बच्चों को सुविधाएँ देने का कोई प्रावधान है अभी? देखिए, सरकार ने नर्सरियाँ तकरीबन हर खेल की नर्सरी दे रखी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 51 नर्सरी है, उनमें बच्चों को 14 साल से तक के बच्चों को 1500 रुपये पर मंथ और 19 साल तक के बच्चों को 2000 रुपये पर मंथ हरियाणा सरकार दे रही है। साथ में खेलों के सामान की खरीद के लिए स्कूलों को 1,00,000 रुपया और जो उन्होंने क्वालिफाइड कोच लगाया उसको 25,000 रुपये पर मंथ हरियाणा सरकार दे रही है। सर, करनाल करण स्टेडियम में प्रतिदिन कितने बच्चे आ जाते होंगे? यहाँ तकरीबन 700-800 बच्चा आता है अलग अलग खेल, हॉकी में, एथलेटिक्स में, फेंसिंग, स्विमिंग, जिमनास्टिक, लगभग 700 से 800 बच्चा प्रैक्टिस के लिए सुबह शाम आता है। तो सर, सभी खेलों के कोच उपलब्ध हैं अभी? हाँ, लगभग सभी खेलों के हैं, एक रेसलिंग के शायद नहीं है, वो भी जल्द ही आ जाएंगे। सर, जैसे करनाल के स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का काम पूरा हो गया है, इसके अलावा जो बाकी जो है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल है, इनके लिए भी किस सिंथेटिक ट्रैक का प्रावधान? उनका भी आज ही एक्शन साहब को मैंने फोन किया है, उसमें सिर्फ लेयर बिछानी रहती है, बाकी काम उसका बेस वगैरह सब कंप्लीट है। तो आशा है कि 15-20 दिन में वॉलीबॉल और ये बास्केटबॉल और स्केटिंग रिंग का काम चला हुआ है। सर, टोटल कितने कोच हैं हमारे करनाल में? टोटल हमारे 33, जिनमें से कुछ गांव में है, सब सेंटरों पे हैं, कुछ यहाँ करण स्टेडियम में और कुछ राजीव गांधी स्टेडियम से। तो सर, इसके अलावा कोई और नई सुविधा का प्रावधान है अभी फिलहाल? बाकी तो खेलों का सामान हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को और नर्सरीज के थ्रू इनको डाइट मनी और ये स्कॉलरशिप मिलती है और अवार्ड और कैश अवार्ड, स्कॉलरशिप, जो भी पोजिशन ले जाते हैं बच्चे उनके लिए हरियाणा सरकार देती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।